से बोलो आप लोग, जय बोलो चाणक्य, आचार्य चाणक्य की जय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे सभी संत, हमारी समाज के समस्त बुजुर्ग, सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे नौजवान भाइयों, आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, उसके कारण आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हमें पता है कि आप प्रश्न करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में ही ये ज्यादा है कि अपने से प्रश्न करो, और समाज में ऐसा नहीं है। विधायक जी ने 5 साल निकाले हैं भारतीय जनता पार्टी, किसी यादव ने प्रश्न किया होगा कि तुम हमारे लिए क्या करोगे, लेकिन जब हम निकलते हैं ना तो हमसे प्रश्न करते हैं कि तुम समाजवादी पार्टी में चले गए तो आप क्या करोगे तो हमारे लिए। ये प्रश्न ब्राह्मण समाज का नहीं है, हम कायर नहीं है, हम नपुंसक नहीं है, जो हम किसी की या हमारे वजह से या किसी की और की वजह से आप सुरक्षित हैं, आप स्वयं सुरक्षित हैं, आप तो स्वयं सुरक्षित हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं रहे कि हमको कोई पद चाहिए, हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए रहे कि ये राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, गौ भक्त की बात करते हैं, गंगा सफाई की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, पाकिस्तान को कुचलने की बात करते हैं। अभी हम ब्राह्मण समाज में बोले, लेकिन अभी अभी हमारे लोगों के अंदर बहुत भाजपा के लोग ऐसी वो है कि भाजपा का कुछ कुछ भरा हुआ, तो हम इसलिए इसमें थे। हमको कोई पद नहीं चाहिए, ना कोई हमको सम्मान चाहिए, हमारा सम्मान और हमारा पद आप हैं और हमारी गौ माता। मैं ना विधायक बना, ना सांसद बना, ना मंत्री बना कभी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी गौ माता की वजह से मेरे सम्मान में मेरे ब्राह्मण भाइयों का मेरे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, उसकी वजह से मेरे सम्मान में कोई कई कमी नहीं दिखाई दी मुझे। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कुछ बना लूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में रहा, पद के लिए नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी में तो गया तो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पे लात मार दी, कोई प्रधानी का पद नहीं छोड़ सकता। ये लोग बहुत झूठे लोग हैं, बहुत धोखेबाज हैं, इनकी बातों में आना समझ लो मर जाने के बराबर है। ये लोग झूठ का पिटारा है पिटारा। हमारे यहां अकौगा का देखा फल, अकौगा का फल जैसे मार्च अप्रैल में निकलता है, हम उसको पकड़ के फोड़ दें तो इतना उड़ता है कि उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको कब रोक पाते, जब बरसात होती है तब रोकता, जब बरसात उसको जमीन में मिला देती। तो इन झूठे लोगों को तुम समाजवादी पार्टी में वोट डाल दो तो समझ लो बरसात की तरह इनको नष्ट कर दे। इनका इतिहास हम उस पार्टी में रहे ना, हमसे ज्यादा कोई जानता नहीं। अभी योगी जी आएंगे, उनके यहां एक विशेष के लोग हैं जो योगी जी की तालियां बजाते हैं, दूसरी बरादरी के कोई तालियां नहीं बजाते, उन्हीं की तालियां बजती हैं। अच्छा, हम कहां से उनकी तालियां बजाते, तुम तालियां बजाओ, तुम ढोलक बजाओ, हम कैसे बजाते बजाते ना। तुमने हमारे भाइयों को गोलियों से भून दिया, तुमने हमारी बेटी को जेल में बंद कर दिया, तुमने हमारे नाबालक का इनकाउंटर कर दिया, हम कैसे तुम्हारी तालियां बजाएंगे, हम तुम्हारे पद पे लात मारते। विधायक जी बैठे हैं और नेताजी से पूछ लेना, और विधायक जी एक सार्वजनिक मंच और संतों के बीच में बैठे हैं, वो सौगंध खाएं कि मैंने कोई पद का सौदा नहीं किया समाजवादी पार्टी से, मैं भी सौगंध खा रहा हूं, मेरा कोई समझौता नहीं है कि मुझे सांसद विधायक मंत्री में सौगंध खा रहा हूं। आप ये मत समझना कि स्वार्थ और लालच में मैं समाजवादी पार्टी में गया हूं, मैं स्वार्थ और लालच में नहीं गया हूं, आपके सम्मान बचाने के लिए, खुशी दुबे को जेल से छुड़ाने के लिए पार्टी में गया हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब ये
बात सुन लो आप, लव जिहाद, गंगा की सफाई, गैया बचाई, कोई काम में सही निकले? लव जिहाद कहां पर है? अपराधी कहां पर है? योगी जी तुम्हारे बगल में है, मऊरानीपुर में है, तुम अपने बगल में बैठा लेते। हमने जब पार्टी छोड़ी बोले आप मान जाओ, हमने कहा हम मानने वाले नहीं है, ना प्रार्थना होगी ना याचना होगी, युद्ध होगा, जीत होगी या हार होगी। एक तुम्हारे भाई ने सांसद है, ना विधायक रहा, ना मंत्री रहा, लेकिन हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर उतार दिए उसने मऊरानीपुर में। बोले स्मृति यानी, हमने कहा साइकिल और गंगा बोले अमित शाह, हमने कही ब्रजेश पाठक की जनता में और उत्साह। बोले योगी, हमने ब्राह्मण वर्ग से योगी। एक नेता तो हमारी जो बुंदेलखंड की नेता है, राष्ट्रीय स्तर की नेता है, उनसे कहा कि बबीना देख ली और गरोटा देख ली, मऊरानी पर चलो। बोली वो तुम्हारी मऊ की जय हो। पहली भगत चुकी मऊरानीपुर में, पहली भगत चुकी, जरूरी नहीं था, हम तो गैया चरा रहे थे, हम तो अपनी गैया चरा रहे थे, उसका मतलब ये नहीं है कि हम मर गए थे। हम निकल आए, हमने उसे कह दिया जितना दम हो उतना दम लगा लो, मऊरानीपुर तुम ले नहीं जा पाओगे, अगर हमारी इच्छा होगी तो ले जाओगे, हमारी नहीं है तो मऊरानीपुर। मेरे भाइयों, इन लोगों से दूर हो जाओ। हमारा लोकसभा का अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं है, हमसे जवाब मत करो। तुम्हारा लोकसभा का ब्राह्मण अध्यक्ष नहीं है, तुम्हारे इस देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण नहीं है, तुम्हारे देश का गृह मंत्री ब्राह्मण नहीं है, तुम्हारा रक्षा मंत्री ब्राह्मण नहीं है, तुम्हारा वित्त मंत्री ब्राह्मण नहीं है, तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं था, तुम्हारा संगठन का जो महामंत्री था वो भी रामलाल जी थे, वो भी ब्राह्मण नहीं था। तुम्हारे प्रदेश में 22 प्रदेशों में सरकार है, एक ब्राह्मण बता दो, कोई भी ब्राह्मण बता दो कि तुमने मुख्यमंत्री बनाया। ब्राह्मण की बात करते हो, राष्ट्र की बात सिखा सिखा के उल्लू बना रहे। बताओ गलत कह रहे? सही है। इसलिए मेरे भाइयों, इन झूठे लोगों को कुचलने का समय आ गया है। 20 तारीख को ऐसा बटन दबाओ, ऐसा बटन दबाओ, योगी लाल कपड़ा से सफेद में हो जा। बिल्कुल झूठे हैं। हम ब्राह्मण हैं, मेरा पहला कर्तव्य है राष्ट्र के पहले स्तंभ को मजबूत करना। इनकी चीजों में राष्ट्र का स्तंभ दूसरा है, आर्थिक नीति को मजबूत करना है, हमारा स्तंभ गाय है, हमें उसे मजबूत करना है। गाय नहीं होगी तो ब्राह्मण नहीं होगा। इनने गाय को खत्म करना शुरू कर दिया तो यहाँ ब्राह्मण को भी खत्म करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, जे कहते थे कि गाय कागज पे बनी हुई कोई फाड़ नहीं पाएगा, मेरे मित्रों, गाय सड़क पे कागज के पन्नों की तरह डली। क्या दुख नहीं होता? बताओ, क्या दुख नहीं है? जे आप कह रहे थे हमने अवैध बूचड़ खाने बंद करा दिए, हमने जब सुना जी, बार बार कहते थे बाबा जी अवैध भूषण खाने बंद करा दिए। हमारे यहाँ एक चौकासोरा वाले बाबा जी हैं, हमारे यहाँ बहुत बाबा जी रहते हैं, बाबा हम भी हैं, हम तो उनसे बड़े बाबा हैं। लेकिन जब वो आए झांसी में, उनका पहली बार कार्यक्रम लगा, यहाँ भाजपा के बहुत लोग होंगे, तो हमने चौकासोरा वाले बाबा जी से कहा बार बार अवैध भूषण खाने बंद करा दिए, अवैध भूषण खाने बंद करा दिए। हमारे चौकासोरा वाले बाबा गए मुख्यमंत्री के उस कैंपस में, घुस गए, जबरदस्ती घुस गए, और जैसे इनने कहा अवैध भूषण खाने हमने बंद करा दिए, हमारे चौकासोरा वाले बाबा जी बोले, दयाशंकर महाराज जी बोले, महाराज जी वैध भूषण खाने क्या जायज है? मुख्यमंत्री तिल मिला गए, कैसे करने लगे, ना से माए कौन है जी, कहां से आया, कौन लाया इसको, क्या ये बताओ, क्या वैध जो आपने अवैध बंद कराए तो क्या वैध जायज है? नहीं है ना। अगर गौ हत्या बंद कराने थी तो वैध और अवैध में अंतर क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारी इनकम ज्यादा होगी।
काय के लिए तुमने क्या सोचा? जे सोचा कि अवैध बंद करा दो और वैध चालू करा दो। जे गाय बचाने की तुम्हारी स्कीम थी, राष्ट्रपति की तुम्हारी स्कीम थी, ये हम इस चीज को नहीं मानते। मेरे भाइयों, आज मौका है आप लोगों के पास। हम किसी से डरने वाले नहीं है, ना हमें इनका पद चाहिए, ना हमें इनका सम्मान चाहिए। अगर ये पद भी इनके लिए तो पद हम खुद दे के आए थे। ना हमें इनका पद चाहिए, ना इनका हमें सम्मान चाहिए। इनका अगर पद तो सम्मान मिलेगा तो उधर फेंक देंगे, लातों से फेंक देंगे, कुचल के नहीं चाहिए। हमको हमारी गाय चाहिए, हमें अपनी संस्कृति चाहिए, हमें पहले नंबर में अपना ब्राह्मण चाहिए जिसका सम्मान हो सके। तो हम आप लोगों से यही निवेदन आए थे। चुनाव का मौका चल रहा, बोलने की इच्छा तो बहुत थी। हम बोलते कहाँ है, हम तो गौशाला में रहते हैं, हम तो अपनी गौशाला में 24 घंटे रहते हैं। अभी हमारे ऊपर बहुत दबाव आ रहा था, तुम क्या कर रहे हो? हमने कि तुम कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? हमने यार जब बताओ, हमारी वंदना से तलाक है, हमारे नाम एक इंच जमीन नहीं है, जहाँ नेताजी का पता है और विधायक जी का पता है। हमने कहा हमारे पास एक गाड़ी नहीं है, अकेले जो कपड़ा पहरे, और हमने भी वंदना के नाम गैया है, हम अकेले गोबा डाला, तंबाका पे डाल लो, बोलो तंबाका कर सका। अरे ज्यादा से ज्यादा ये जेल पहुंचा दो तो वो तो पहले को घर है हम। इसलिए भाइयों, तुम्हारे इस भाई ने ना कुछ होते हुए भी भाजपा के हेलीकॉप्टर पे उतार दिए, कुछ नहीं है जे। इसके बाद भी चक्कर घिन्नी बना पूरा जिला। मेरे भाइयों, जो आप काशी से आए हैं और जो हमारे कुशीनगर से आए हैं, राज साहब जी, शर्मा जी, हम बता दे रहे हैं, आप काशी की बात कर रहे हैं, झांसी को रिजल्ट देख लियो। आप काशी की कह रहे, झांसी को देख लियो। और हमारा तो इतिहास ये है कि हम जब अटैक करते ना तो फिर हम कुछ नहीं देखते। हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि झांसी पर थोड़ी नजर बनाए रखना, तो समाजवादी पार्टी में चले गए। हमने कहे जब हम रावण का मारन जा रहे तो बंदरा बंदरिया मारे। हम जब रावण का मारन जा रहे तो बंदरा बंदरिया मारे, हो सका धोखे में एक आध भालू भी चलो जाके, तो इतनी चिंता ना करिए। हम जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़े तो हम अपनी बंदरा बंदरिया की जितनी पूरी कैसे करें? ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अब हम समाजवादी पार्टी में है, वो हमारा ये संकल्प होगा कि झांसी नहीं, बुंदेलखंड नहीं, यूपी से साफ कर दो, तब ब्राह्मण समाज का सम्मान है। इनको ब्राह्मण समाज का सम्मान का पता ही नहीं है। अगर आप इन्हें यूपी से निपटा दोगे तो हम ये देख लेना ब्राह्मण समाज का सम्मान कितना होगा, और ये समझ जाएंगे कि ब्राह्मण क्या होता। इसलिए भाइयों, ये चुनाव का समय है, विधायक जी भी सोच रहे हैं अच्छा माइक पकड़ लो। सब लोग कह रहे हैं अच्छा माइक पकड़ लो, लेकिन हम गैया चलाने वाले आदमी हैं। हम जब अपनी गौशाला से निकले और यदवंशी और भृगवंशी जब दो ही मिले तो जब मान लियो कि कछु न कछु तो हुई है, हुई है कि ना हुई है। तो मेरे छोटे भाइयों, मेरे सम्मान की बात है, हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और हम आपसे झूठ भी नहीं बोलेंगे, हमारे मोर्च से कुछ हमारे भाई बंधु आए होंगे, हम सबसे कह रहे हैं कि अगर कोई लड़ाई हमारी हुई तो सत्य बता रहा ब्राह्मण के लिए हुई। मैं ना तो सिगरेट पीता हूं, ना मैं बीड़ी पीता हूं, और जो बहुत बड़ी बातें हैं, जैसे हमारे बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत बड़े बड़े अरबपति बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, उनके तो ऊपर बियर हाउस बियर बार है, और गाड़ी में 2 करोड़ की मैं बोतल रखी रहा। हमारे यहाँ तो सिर्फ तुम्हें हम गोबर में भिड़े मिलेंगे और अपनी गौ माता के बीच में मिलेंगे। इसलिए हम सच्चे ब्राह्मण हैं और हम आपसे कह जा रहे हैं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कतौली महाराज की है। यहाँ अगर कोई भी यादव, कोई भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का हमारे किसी भाई का अपमान करेगा, ब्रजेश पाठक सबसे पहले आगे खड़ा हो जाएगा। और हमें मानने की चिंता बिल्कुल नहीं है। हमने कह दिया कि 2 बच्चा है,
और बीबी से तलाक है, जो हम क्या कह सकते हमारे बच्चे की मताई बाबी अब पुलिस तपाल। हमारे यहाँ एक अभी स्टेटमेंट निकाला था ये बोले बच्चा सफाई और माँ भाजपा, तो हमने उसी दिन पहुंचा दिया अगले सीन के मंच पे, उसी दिन पहुंचा दिया। हमने कहा बच्चा सफाई और हमने कही मताई सफाई, और जरूरत पड़े तो हमने कहा लठिया उठा ली। इसलिए आपको चिंता ना करना, अगर हम जो कहे जा रहे उसको पक्का मानना मेरे भाइयों। अगर आप चाहोगे तो बुंदेलखंड को निपटा दोगे, ये यहाँ ब्राह्मण समाज जो बैठा है ना पूरा बुंदेलखंड को निपटा देगा, मुझे ऐसा विश्वास है। कह दो अपने फोनों से कि सबको निपटा दो, उसी में तुम्हारा सम्मान है। तुम्हारे सम्मान के लिए मैं आधी रात से खड़ा रहूंगा, ये सौगंध खाता हूँ पीछे नहीं हटूंगा, आपके लिए खड़ा रहूंगा। क्यों मेरे पास कुछ नहीं है, ना मुझे कुर्की होने की चिंता है, ना मुझे पुलिस पकड़ने की चिंता है। एक जने मेरे महाराज जी से बोले, हमें महाराज जी सनी से लगो, बोले ब्याह होगा, बोले हमारी भाव, बोले मोनी बोला तो हिंदी ही ना, बोले यहाँ धन दो का, बोले कछु नहीं, बोले फिर, बोले आप बताओ, बोले आप सनी से बेकार करो तुम आओ। तो हमें तो ऐसे सनी से 24 घंटा हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए नहीं, आपके लिए आधी रात के तैयार है, आधी रात के तैयार है। बोलो जय सियाराम, जय श्री राम, नहीं जय सियाराम। भाजपाइयों ने सीता को राम से भी अलग कर दिया, इन भाजपाइयों ने राधा का कृष्ण से अलग कर दो, ये तो दिन भर सबका अलग कर, इनका काम है दिन भर सबको अलग करना, एक दूसरे को अलग ही करते रहते हैं। हमको बताते हैं कि लव जिहाद, अब ये बताओ आप लोगों से हम पूछ रहे, मुख्तार जो हमारे नगमी जी हैं उनकी पत्नी कौन है, बता सकते कोई? नहीं, ब्राह्मण है मिश्रा खानदान से, और एक नहीं दोनों ही है, जब एक में मन नहीं भरा तो दूसरी बहन से भी शादी कर। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। और शहनवाज हुसैन की पत्नी को है रेणु शर्मा, जिसकी शादी किसने कराई थी, हमारी उमा जी, हम साथ में रहते, वो लड़की तैयार नहीं थी, दीदी ने समझाया था लड़का बहुत अच्छा है शादी कर लो, ब्राह्मणों के दमान तुम बना रहे और लव जिहाद की बात हमें सिखा रहे, क्या ये सही है? दीदी का भतीजा ब्राह्मण में ब्याह है, हम रहते हैं ना साथ में, अपने भतीजे को दामाद ब्राह्मण का बना रहे, लव जिहाद की बात सुना रहे, ब्राह्मण की लड़कियों को अपने पास रख रहे, बताओ अच्छा लव जिहाद नहीं है? रामलाल जी जो राष्ट्रीय महामंत्री थे उनकी लड़की की शादी मुसलमान से हुई और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस आमंत्रित उसमें गई, सारे मंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति भी जी पहुंचे उसको। अभी भाजपाई लोग बैठे होंगे उन्हें पता होगा, बताओ कोई भाजपाई बैठे हैं पता है? चलो ऐसे ही बोल दो यार, आधे से ज्यादा तो हुई, बोल दो सही तो बोल दो, चलो जा बोल दो, हम झूठ बोल रहे, जय बोल दो कि हम झूठ बोल रहे, सही कह रहे? अरे अब तो खोल के बोलो ना, हमारी बिटिया चली गई अब बीचों को, कह रहे तो लव जिहाद की बात तुम हमको सिखाते हो कि लव जिहाद हो रहा है। वो योगी जी अगर लव जिहाद पे कानून बनाओगे तो फिर नगमी जी को भी जेल में डालना पड़ेगा और आपको उनको शहनवाज हुसैन को भी जेल में डालना पड़ेगा। लेकिन क्या सिखाते हैं कि लव जिहाद में ब्राह्मण की लड़की से शादी करेगा मुसलमान का लड़का तो 5 लाख मिलेगी, उससे शादी करेगा तो 2 मिलेंगे, उससे शादी करेगा तो 1 मिलेंगे। तुम्हारे यहाँ तो ब्राह्मण से शादी कराने के मुसलमान को मंत्री और प्रवक्ता का पद दिया जाता है, तुमसे बड़ा लव जिहाद कहां पर है? आप लोगों से हम अनुरोध करते हैं इनकी बातों में मत आओ, जी ब्राह्मण को धीरे 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 खत्म कर रहे, आप देख लो कहीं भी ब्राह्मण का कोई सम्मान नहीं, ब्राह्मण को कोई पद नहीं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने छोटे भाई की अपने बड़े भाई की बात मान जाओ, आप साइकिल में वोट डालो और दीप नारायण सिंह जी को विजयी बनाओ। जय।